बड़वानी जिले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही कर अवैध 6 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़वानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज बंधान के पास पल्सर पर अवैध शराब लेकर जा रहे रोहित मेहरा और दीपक भावरे नामक 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके पास से 6 पेटी अवैध शराब, जिसमें गोवा विस्की 4 पेटी, 2 पेटी लेनामाउंट बियर और देशी शराब। पुलिस के अनुसार ये लोग बलखंड निवासी साय सिंह के कम दाम पर शराब लेकर आ रहे थे, जिसे ज़्यादा दाम में जो खरीदार मिल जाता है उसे बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, कार्यवाही जारी है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। ये जैसा कि विदित है, SP श्री निमिष अग्रवाल सर ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और उसी की निर्देशों के पालन में हम कल मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध रूप से शराब लेकर बंधान रोड से आने वाले हैं। उस सूचना पर विजय रावत और उनकी टीम को वहाँ रवाना किया गया था और जैसे ही मुखबिर बताए अनुसार जो दोनों लड़के मोटरसाइकिल पर पल्सर पर शराब रख के जब आ रहे थे तो उनको घेराबंदी करके पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने पर आरोपी जो है मौके पर रोहित और दीपक भावरे, रोहित मेहरा और दीपक भावरे, ये नानी बड़वानी और बोमिया के रहने वाले हैं और इनके पास करीब 6 पेटी शराब थी, जिसमें 4 पेटी गोवा और 2 पेटी लेमन बियर था और 35 पाव देसी शराब के थे। तो ये अवैध होने से पुलिस ने मौके पर ही इस शराब को जब्त की और दोनों को गिरफ्तार किया है और इसमें एक सप्लायर साई सिंह का नाम आया है तो पुलिस साई सिंह को भी इसमें साक्ष्यों के आधार पर आगे इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और अभी विवेचना इसमें जारी है। सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये लोग? जो है जो प्राथमिक रूप से जो बताया है कि साई सिंह ने इनको शराब उपलब्ध कराई है, जो साई सिंह जो है बलखड़ का रहने वाला है तो उसने शराब उपलब्ध कराई है। अब साई सिंह जब आगे से पूछताछ की जाएगी, साई सिंह को गिरफ्तार होगा तो पता पड़ेगा कि कहाँ से ये लाए थे और ले जाने का इनका ये है कि आसपास जहाँ भी ये कम कीमत में उधर से लेते हैं और अधिक कीमत में जिसको जहाँ जरूरत होती है वहाँ ये सप्लाई कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।